होली आते ही घरों में ढेर सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो कहीं पे पापड़, तो कहीं पे गुजिया, कहीं पे नमकीन, तो कहीं पे मालपुआ। तो चलिए आज बना लेते हैं हम मार्केट के जैसा घर पे सेवड़ा नमकीन, जो मैदा से बनके तैयार होगा। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक कटोरी मैदा। मैदा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब यहाँ पे ले लेना है अजवाइन। तो अजवाइन हमें लेना है आधा चम्मच, और हाथों से इस तरह से क्रश करके डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, साथ में हमारे डाइजेशन के लिए भी फायदा करता है। अब ले लेना है यहाँ पे मंगरेला और जीरा। तो आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच मंगरेला। यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को डाल दिया है। नमक ले लेना है अपने स्वाद के अनुसार। तो नमक हमने आधा चम्मच ले लिया है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब ले लेना है हमें घी। तो एक कटोरी हमने मैदा लिया है, और यहाँ पे आधी कटोरी घी को अच्छे से गरम करके डाल दिया है। इससे बहुत ही खस्ता बनता है। आप जब मन करे तो आप घी का मोयन लगाएं। अगर आप घी नहीं पसंद करते हैं तो आप रिफाइंड डाल सकते हैं। तो चलिए सभी को हमने हाथों से मिक्स कर लिया है। इससे बहुत ही खस्ता और परत वाली नमकीन हमारा बनके तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ हमने लिया है पानी। तो पानी को हमने हल्का गुनगुना रखा है, बहुत हल्का गुनगुना रखा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं घी से तो पानी को गर्म करके डालें। अगर आप रिफाइंड से बना रहे हैं तो ठंडा पानी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, लिया है प्लेटफार्म, और इस पे क्या करेंगे हम, एक बड़ा सा मोटा सा रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। अब इसकी एजेस को निकाल लेते हैं। किनारी से आपका जो शेप अच्छा नहीं बनेगा तो आप साइड से इसके निकाल लें। तो इस तरह से एजेस को निकालने से क्या होता है, बहुत ही परफेक्ट नमकीन बनके तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना, आधी आधी इंच के फर्क पे इसे काट लेना है। आधी आधी इंच छोड़ छोड़ के काटना है। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका नमकीन बढ़िया बनके तैयार होगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस तरह से काट लिया है। अब फिर से हमें उतना ही मोटा में काटना है, यानी कि हमने स्क्वायर फीट में काट लिया है। ये देखिए इस तरह से काटने से क्या होता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा लुक आता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, एक प्लेट में इसे सभी को रख लेना है। और आप इस तरह से नमकीन बना के तैयार करेंगे तो आप 15 से 20 दिन तक डब्बा में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल डालने के बाद हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है, और लो फ्लेम पे हम नमकीन को यहाँ पे डाल देते हैं। जब भी आप मैदा का कोई भी आइटम बनाइए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, और लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देते हैं करीब 3 से 4 मिनट के लिए। बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। छोटे से चम्मच से इस तरह से हमने डाल के अच्छे से छोड़ दिया है। अगर आप हाई फ्लेम पे डाल रहे हैं तो आपकी जो नमकीन की परतें हैं बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, और ये आपका जो नमकीन है हार्ड बनके तैयार होगा। इसीलिए हम जब भी फ्राई करते हैं मैदा का आइटम तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखते हैं। तो आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए, अब इसकी जो साइज है डबल हो गई है, और इसका जो क्रिस्पीपन है अच्छे से खस्ता परत खुल के तैयार हो गया है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से पास से दिखाती हूँ कितनी बड़े बड़े साइज की हो गई हैं। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से गोल्डन तक सेक लेंगे। तो इस तरह से अगर आप नमकीन बनाएंगे तो आपका जो खस्ता नमकीन है घर पे बिल्कुल मार्केट के जैसा बनके तैयार होगा, और खाने में और देखने में भी प्यारा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं। आप इसकी परत को देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। आपकी जो बहुत ही बढ़िया नमकीन बनके तैयार होगी अगर आप इस तरह से बना के घर पे रखेंगे। तो देखिए आज की ये नमकीन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही सॉफ्ट है, अब बिल्कुल मुलायम है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।